अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम ऑल ऑफ यू टू एके फिजिक्स। आज हम एसएसपी का सॉलिड स्टेट फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, ठीक है। आज की जो हमारी आउटलाइन है वो क्या है, हम पढ़ेंगे लैटिस के बारे में, ठीक है, बेसिस के बारे में, इसके अलावा क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में, ओके, और पढ़ेंगे इसके अलावा ट्रांसलेट वेक्टर। तो अगली वीडियो में यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल और उसके अलावा जो भी टॉपिक है वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आज की जो हमारी आउटलाइन है वो ये है। चलिए जी, सबसे पहले हम पढ़ते हैं लैटिस। लैटिस क्या चीज है? लैटिस, इसको हम स्पेस भी बोल सकते हैं, ठीक है, लैटिस और स्पेस, ओके। लैटिस इज द इनफाइनाइट इनफाइनाइट रेक्टेंगुलर या इनफाइनाइट आप बोल सकते हैं, इनफाइनाइट अरेंजमेंट आप बोल सकते हैं, इनफाइनाइट अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। लेटेस्ट क्या है? ये इनफाइनाइटली अरेंजमेंट है किस चीज की? पॉइंट्स की, इन थ्री डायमेंशन, ठीक है। पॉइंट्स की जो होगी वो इनफाइनाइटली हम अरेंज करेंगे, पॉइंट्स लेंगे उसको हम इनफाइनाइटली अरेंज। व्हाट इज लैटिस? लैटिस इज द इनफाइनाइट अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन थ्री डायमेंशन आई हैविंग आइडेंटिकली सराउंडिंग ऑफ एवरी पॉइंट्स। लैटिस क्या चीज है? इनफाइनाइटली हम अरेंज करेंगे किसको? पॉइंट्स को। और कौन से डायमेंशन में? तीनों डायमेंशन में। जब तीनों डायमेंशन में हम पॉइंट्स को अरेंज कर लें, ठीक है, हर पॉइंट्स की जो सराउंडिंग होगी वो आइडेंटिकल होगी, ठीक है, सेम होगी, तो इसे हम क्या कहते हैं? लैटिस। लेट्स फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल ले लें, ये पॉइंट्स हमने लिए, ये देखें आप, ठीक है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5, इसी तरह पॉइंट्स लिए और लिए, ठीक है, तुझे दिखा जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अच्छा जी, बस इतना ही पूरा है बस, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट्स लिए, आप यहां पर देखिए, इस पॉइंट से इस तरफ ये पॉइंट्स पड़ा हुआ है, ठीक है, ओके, इस पॉइंट से इस पॉइंट ये पॉइंट पड़ा हुआ है, ओके, इस पॉइंट से इस पॉइंट ये पॉइंट पड़ा हुआ है, लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट में कोई पॉइंट नहीं, इस पॉइंट से इस पॉइंट में कोई पॉइंट नहीं। मीन ये इसका जो पैटर्न है आप देख सकते हैं, जो पैटर्न इसका नजर आ रहा है वो तो कुछ आइडेंटिकल है, सॉरी वो तो कुछ परफेक्टली बना हुआ है। एक मिनट, अब इसकी जो डायग्राम आप देख रहे हैं तो ये इस तरह रेगुलरली बना हुआ है, अच्छा लग रहा है, लेकिन इसकी जो पॉइंट्स है उसकी सराउंडिंग आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है, पॉइंट्स जो है वो सराउंडिंग आइडेंटिकल नहीं है। कैसे? इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ ये पॉइंट है, लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ कोई पॉइंट नहीं, इस पॉइंट की तरफ, इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ कोई पॉइंट नहीं, सो दिस इज नॉट अ लैटिस। अब देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, ये 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 लिया, ठीक है, ये पॉइंट्स हमने लिए। अब देखिए इसके बाद, और ये इनफाइनाइटली होगा, लेकिन हम तो ड्रा नहीं कर सकते। एक बात तो ये है कि इनफाइनाइट, दो बातें याद रखिए, एक इनफाइनाइटली होगा और एक थ्री डायमेंशन होगा। यहां पर तो हम थ्री डायमेंशन ड्रा नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैं टू डायमेंशन ले रहा हूं, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, इनफाइनाइट इस तरफ भी गए, इस तरफ भी गए, ऊपर नीचे, इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ ये पॉइंट पड़ा है, बिल्कुल अच्छा, इस पॉइंट से ऊपर भी इसी तरह, इसी की डिस्टेंस के मुताबिक इधर भी एक पॉइंट पड़ा होगा, नीचे भी होगा, इस तरफ भी होगा, तो ऑल डायरेक्शन इनफाइनाइट अरेंजमेंट हुआ है, ठीक है, पॉइंट्स का, और ऑल जो पॉइंट्स है उसकी सराउंडिंग क्या है? वो सेम है, ठीक है, सराउंडिंग उसकी सेम है, तो इसको हम क्या कहते हैं? लैटिस कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं बेसिस की तरफ, कि बेसिस क्या चीज है? व्हाट इज बेसिस? लैटिस को हम स्केलेटन क्या कहते हैं? स्केलेटन ऑफ अ क्रिस्टल। लैटिस इज अ स्केलेटन ऑफ अ क्रिस्टल, ये ढांचा है किस चीज का? स्केलेटन का। आगे समझाता हूं कैसे। आप पढ़ते हैं बेसिस, ठीक है, व्हाट इज बेसिस? बेसिस क्या चीज है? बेसिस इज द ग्रुप और सिंगल एटम, बेसिस सिंगल द एलिमेंट ऑफ व्हाट? द एलिमेंट ऑफ लैटिस। लैटिस के जो एलिमेंट्स हैं उसको हम क्या कहते हैं? बेसिस कहते हैं। आप समझाता हूं, कंफ्यूज ना होइए, ठीक है। अच्छा, इसके इस ए, ए, जो बेसिस है, बेसिस इज अ सिंगल सिंगल एटम और ग्रुप ऑफ एटम।
बेसिस क्या है? बेसिस या तो सिंगल एटम है या तो ग्रुप ऑफ एटम है, यानी ये सिंगल भी हो सकते हैं ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं। अभी समझाता हूं आपको सिंपल एग्जांपल से, और डेफिनेशन इसकी क्या है, एलिमेंट ऑफ लैटिस, जो एलिमेंट है ठीक है, लैटिस के जो एलिमेंट्स है उसको हम क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आसान एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, क्लासरूम में कुर्सियां पड़ी होती है, अगर उस कुर्सियों को हम रेक्टेंगुल सॉरी अरेंजमेंट कर दें, उसकी अरेंजमेंट कर दें ठीक है, इनफाइनाइटली तो नहीं हो सकती, फाइनाइट होंगी, लेकिन आपकी आपको समझाने के लिए मैंने चेयर्स ली ठीक है, इस तरह अरेंजमेंट की चेयर्स की ठीक है। अब ये चेयर्स क्या है, ये लैटिस पॉइंट है, ये ढांचा है ठीक है, और इस पॉइंट इस चेयर पर अगर बच्चे बैठ जाए तो क्या बनता है, क्लासरूम बनता है, एंड दैट क्लासरूम इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल, वो आगे पढ़ेंगे। तो यहां पर ये कुर्सियां क्या है, ये कुर्सियां है लैटिस, और इन पर बच्चे बैठ जाए तो बच्चे क्या है, वो एलिमेंट्स हैं ठीक है, और बेसिस प्लस लैटिस उन दोनों, जब ये बच्चे कुर्सियों पर बैठ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, क्लासरूम कहते हैं ठीक है। तो यहां पर एलिमेंट्स जो होंगे उसको हम क्या कहेंगे, ये तो ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं और सिंगल एटम भी हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल लू, हाँ कार्बन डायमंड जो है, डायमंड जो एग्जाम्पल उसकी, उसमें ऑल एलिमेंट्स कौन से है, कार्बन है, सिंगल एटम है, तो जो कार्बन एटम इस पर अटैच है इसे हम क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं ठीक है। और जिन पॉइंट्स पर अटैच हैं उस पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, लैटिस कहते हैं। लैटिस पॉइंट पर कार्बन एटम अटैच हो जाए तब उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं ठीक है। तो इधर तक तो समझ आ गई, बेसिस की समझ आ गई, लैटिस की समझ आ गई, अब आते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर, व्हाट इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर ठीक है। बेसिस ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं, हाँ ग्रुप सॉरी ग्रुप की एग्जांपल मैं आपको दे दूं, NaCl, NaCl में क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम होते हैं, NaCl होते हैं, दो एटम है वो एक पॉइंट पर अटैच होते हैं, तो वहां पर ग्रुप ऑफ एटम आ गया। और सिंगल एटम की एग्जांपल क्या हुई, कार्बन यानी डायमंड जो है वो अटैच होता है। अब आते हैं किस चीज पर, अब आते हैं क्रिस्टल पर, व्हाट इज क्रिस्टल, वीडियो देख लो, व्हाट इज क्रिस्टल, When the basis is attached to what? To lattice. जब lattice points पर basis को आप अटैच कर दे तब उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में समझाया, कुर्सियां क्या चीज है, कुर्सियां हैं हमारे पास लैटिस ठीक है, उन कुर्सियों पर बच्चे बैठ जाए तो बच्चे क्या है, वो बेसिस हैं ठीक है, और कुर्सियां कुर्सियों के ऊपर जब बच्चे बैठ गए तो उसको हम कंबाइनली क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। लाइक फॉर इसमें दो तीन बातें हैं, एक मिनट वो जान लीजिए, यानी एक मैंने पॉइंट्स लिए, ये पॉइंट्स लिए, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया ठीक है। अब द कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस एंड लैटिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज क्रिस्टल, कॉम्बिनेशन है बोथ, कौन किस किस चीज का, लैटिस का और बेसिस का। अच्छा अभी इधर एग्जांपल एक पॉइंट ये है कि इसका क्रिस्टल, अब ग्रुप ऑफ एटम हो, अगर मैं दो एटम ले लूं, इसमें क्वेश्चन ये राइज होता है कि इस ग्रुप, ये ग्रुप ऑफ एटम मैंने लिया ठीक है, तो ये जो ग्रुप ऑफ एटम है, अब ये पॉइंट यानी इस पॉइंट पर इस ग्रुप ऑफ एटम का कौन सा एलिमेंट आएगा, या इस पॉइंट पर, तो आपके ख्याल से ये वाला पॉइंट इस पर, ये वाला एलिमेंट इस पर, ये सॉरी ये वाला एटम इस पर, या इस एलिमेंट ये इस पर, ये वाला इस पर, ये वाला इस पर, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं होगा, ये दोनों ही पॉइंट इस जगह पर आएंगे। अब दूसरी बात, ये दोनों पॉइंट एक ही एटम को, पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, इस तरह इनफाइनाइटली जाएगा ठीक है, इसको हम क्रिस्टल कहते हैं। अब दूसरी बात ये कि इस दोनों पॉइंट्स में से यहां तक अटैच कौन सा होगा, इन दोनों पॉइंट्स में से इस तरह अटैच होंगे, ये हो गया पॉइंट, ये हो गया ये पॉइंट, लेटेस्ट पॉइंट, एक एटम यहां पर, दूसरा एटम यहां पर, फिर ये लेटेस्ट पॉइंट, एक पॉइंट यहां पर, एक यहां पर, फिर ये तीसरा पॉइंट, एक पॉइंट, एक एलिमेंट सॉरी एक ये एलिमेंट है, पॉइंट नहीं बोलना, ये एलिमेंट, एलिमेंट यहां पर और एक लैटिस इस तरह ठीक है। तो इस तरह ये अटैच होंगे, तो कंबाइनली बोथ द लैटिस एंड व्हाट, द लैटिस एंड द बेसिस इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज क्रिस्टल। अच्छा क्रिस्टल के बारे में आगे तो पढ़ेंगे, अभी ब्रीफली और एक दो बातें बता दूं। क्रिस्टल जो है वो दो टाइप का है ठीक है, क्रिस्टल कितने टाइप का है, दो टाइप का, दो टाइप का, ब्रीफली आपको बता दूं, ये जो क्रिस्टल है ये कितने टाइप का है, दो का, एक है सिंगल क्रिस्टल, एक है पॉली क्रिस्टल। अच्छा एक है सिंगल क्रिस्टल, एक है पॉली क्रिस्टल। पॉली क्रिस्टल में क्या होता है, डिफरेंट जो ग्रेन होते हैं, ग्रेन इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेन, यहां पर डिफरेंट ग्रेन आके अटैच होते हैं ठीक है।
अब इनमें जो पॉइंट्स हैं उनकी जो डायरेक्शन होगी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। लाइक फॉर एग्जांपल इसमें से मैं एक ग्रेन ले लूं, ये वाला ग्रेन ले लूं, तो इसमें जो पॉइंट्स पड़ेंगे उसकी वेक्टर ट्रांसलेशन वेक्टर जो लेंगे अभी वो पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन वेक्टर आगे पढ़ेंगे फिर, ठीक है। इसकी जो वेक्टर की डायरेक्शन ले लूं, अगर इसमें पॉइंट्स की डायरेक्शन इस तरफ और इस तरफ है तो इसमें जितने भी पॉइंट्स पड़े उन सबकी डायरेक्शन इस तरह ही होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं दूसरा ग्रेन ले लूं तो उसमें पॉइंट्स की डायरेक्शन शायद इस तरफ हो, ठीक है। अगर तीसरा ग्रेन ले लूं तो यहां पर शायद इस तरफ हो, ठीक है। यानी इसकी ग्रेन की जो ग्रेन में पॉइंट्स की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीक्रिस्टल कहते हैं। सिंगल क्रिस्टल हम किसको कहते हैं, सिंगल क्रिस्टल जिसमें ऑल पॉइंट्स हैं सेम डायरेक्शन, ये पॉइंट पर इसका डायरेक्शन इस तरफ, ये पॉइंट इसका इस तरफ, यानी उसमें जितने भी पॉइंट्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। और दूसरी एक बात ये याद रखिए, आपको मैंने पहले ही बताया, बाद में आपको समझ आएगी उस बात की, ठीक है। तो वो क्या थी, दैट लेटिस जो है इज A skeleton of what? Of crystal. While bases give it the direction. ठीक है, लेटिस क्या है, ये स्केलेटन है, ढांचा है क्रिस्टल का, ठीक है। पॉइंट्स ले लिए तो अब उस पॉइंट्स में से हमें कुछ पुट करना होगा, कुछ अटैच करना होगा, और वो अटैचमेंट किसकी होगी, वो बेसिस की होगी। बेसिस व्हाट्स, बेसिस आर एलिमेंट्स, सिंगल हो या तो सिंगल होगे और या तो ग्रुप ऑफ एटम होंगे, तो इसको कंबाइनली फिर हम क्या कहते हैं, उसे हम क्रिस्टल कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा, आगे फिर ट्रांसलेशन वेक्टर पढ़ते हैं। चलिए जी, अब आते हैं ट्रांसलेशन वेक्टर्स की तरफ, सॉरी वेक्टर्स, ओके। ट्रांसलेशन वेक्टर है क्या चीज, एक्चुअली ट्रांसलेशन वेक्टर, बाय यूज ऑफ ट्रांसलेशन वेक्टर वेक्टर वी कैन जनरेट, हम क्या जनरेट कर सकते हैं भाई, वी कैन वी जनरेट व्हाट, द होल लेटिस या एंटायर लेटिस, एंटायर लेटिस, जितना भी लेटिस है उसको हम किससे जनरेट कर सकते हैं, ट्रांसलेशन वेक्टर की मदद से, ठीक है। ट्रांसलेशन वेक्टर हमारे पास थ्री डायमेंशन में होगा, ये n, n1 a प्लस n2 b प्लस n3 c, ठीक है, ये होते हैं। अब इनमें ये n, n2, n1, ये n1, n2 और ये n3 जो है इसको हम क्या कहते हैं, अच्छा ट्रांसलेशन वेक्टर को एक और नाम भी कहते हैं, दैट वाज क्रिस्टल एक्सिस भी, अगर कहीं ये नाम यूज हो और आप कहें कि क्रिस्टल एक्सिस क्या चीज है, क्रिस्टल एक्सिस इज आल्सो नोन एज ट्रांसलेशनल वेक्टर्स, एक और नाम भी कहते हैं बेसिस वेक्टर, ठीक है। ट्रांसलेशन वेक्टर को हम क्रिस्टल एक्सिस भी कहते हैं, बेसिस वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इस ट्रांसलेशन वेक्टर में ये थ्री डायमेंशन होगा, थ्री वेक्टर हमने रखा कि ये एन वन एन टू एन थ्री क्या है, द कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट, द कोएफिशिएंट ऑफ, या हम ले सकते हैं इस नाम, आप ये भी कह सकते हैं द आर्बिट्री वैल्यू ऑफ व्हाट, किस चीज की आर्बिट्री मीन, ये चेंज हो सकती है, वेरिएबल है, ठीक है। आर्बिट्री वैल्यू ऑफ क्रिस्टल एक्सिस, यहां अगर कहीं ये वर्ड देख ले कि आर्बिट्री वैल्यू ऑफ क्रिस्टल एक्सिस, और आप कहें कि ये तो ट्रांसलेशन वेक्टर सर ने कहा था, ठीक है, तो इसको हम क्रिस्टल एक्सिस भी कह सकते हैं। यहां पर आप ट्रांसलेशन वेक्टर भी यूज कर सकते हैं, बेसिस वेक्टर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या चीज है, ये आर्बिट्री वैल्यूज है, किस चीज की आर्बिट्री वैल्यूज है, ये आर्बिट्री वैल्यूज है क्रिस्टल एक्सिस की, और ए बी सी ट्रांसलेशनल वेक्टर्स है, ठीक है। ये वाले क्या चीज है, ये ए ए बी सी जो यहां पर आपको नजर आ रही है, ए ये बी, ये क्या है, ये हमारे पास बेसिस, आप यहां पर ये वाला नाम मैं इसको कह देता हूं, बेसिस वेक्टर है या ट्रांसलेशनल वेक्टर्स हैं या क्रिस्टल एक्सिस हैं, जो भी आप आपका दिल चाहे वो कहें, ठीक है। तो यहां तक तो समझ आ गई। अब आते हैं डायग्राम की तरफ। यहां पर मैंने आपको पहले ही कहा था, जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम पढ़ेंगे तो सब चीजें इमेजिनरी पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं अब इस पॉइंट पे खड़ा हूं, इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ ये जो वेक्टर मैंने ड्रा किया, ये कितने के बराबर है, ये b के बराबर है, ठीक है, b1। यहां से यहां तक का जो वेक्टर है वो मैंने लिखा कि वो ना है a1, ठीक है, a1 के बराबर है। अब यहां पर देखिए, मुझे पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने क्या कहा, r डैश कहा, इस पॉइंट को मैंने क्या कहा, r कहा। अब मुझे कहां आना है, मुझे r डैश पॉइंट पर आना है, ठीक है। इस ओरिजिन पे मैं खड़ा हूं, अब मुझे कहां जाना है, r डैश पर जाना है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है,
ठीक है, इस पॉइंट से लेकर ये इस पॉइंट तक का डिस्टेंस को हमने A1 कहा। तो इसका तब A1 तो मैं आ गया हूं ना, A1 तो आ गया इस पॉइंट तक, तो R तक तो आ गया हूं। अब मुझे कुछ डिस्टेंस कवर करना है, यानी मुझे R पॉइंट पे मैं खड़ा हूं, ठीक है, मुझे कुछ ट्रांसलेशनल वेक्टर ऐड करना है, क्योंकि ताकि किस वजह से, क्योंकि मुझे R डैश वेक्टर पे जाना है, ठीक है। तो R डैश वेक्टर विल बी इक्वल टू R, बिगार लिख लीजिए वहां पर मैंने, ठीक है। अच्छा यहां पर मैं आ गया, ठीक है। अब ट्रांसलेशन वेक्टर जो हम यहां पर ड्रा करेंगे, अब यहां पर देखिए इस ओरिजिन पॉइंट से ये टी पॉइंट तक मैंने ए डिस्टेंस, यहां तक तो मैं पहुंच गया हूं, यहां तक तो डिस्टेंस की कोई वो नहीं आती, ठीक है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आना है तो आईडी जब देखें, इसको इमेजिनरी तस्वीर करें, ये इस पॉइंट तक में आया तो इसका जो डिस्टेंस है वो इस वेक्टर के बराबर है, बिकॉज ये आइडेंटिकल है, क्योंकि हमने लेटेस्ट को कंसिडर किया और लेटेस्ट में हर पॉइंट क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक है। तो A1 से तो मैं आगे नहीं बढ़ाना, सिर्फ कितना बढ़ाऊं, बी इस B1 पॉइंट बढ़ाऊं, ठीक है, कितना बढ़ाऊं प्लस यहां पर A1 में कितना बढ़ाऊं 0, ठीक है, प्लस B1 में कितना बढ़ाऊं 1, ठीक है। तो ट्रांसलेशन वेक्टर क्या आ गया, B1। अब इसको हम यहां पर पुट कर देते हैं, ट्रांसलेशन वेक्टर हमारे पास क्या आ गया, इधर देखिए ये ट्रांसलेशन वेक्टर क्या आ गया, A1 0 B1 1। चलिए जी अब एक और एग्जांपल लेते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। अब इस तरह करते हैं, अब मैं ये वेक्टर ड्रा करता हूं, ठीक है, और ये वेक्टर मैंने A1 तक ड्रा किया। अब इस पॉइंट तक आना है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, फिर ओरिजिन कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, एक इक्वेशन ये है, अब फिर ओरिजिन कंसीडर कर लेते हैं, इस ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है A1, वो तो मैंने कवर कर लिया, आगे A1 तो और मैं कवर नहीं कर रहा, कितना कवर कर रहा हूं B1 का, ये देखिए B1 ये है ना, तो ये इस डिस्टेंस के, यहां पर एक और पॉइंट होगा, ये डिस्टेंस इसका मल्टीपल होगा, यानी ये डिस्टेंस अगर हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये वाला देगा, ठीक है। तो इधर आगे मैंने कितना डिस्टेंस, दोबारा इस पॉइंट से मैंने इधर इस पॉइंट तक आ गया, A1 डिस्टेंस वो तो कवर हो गया, A1 से तो मैं आगे नहीं जा रहा, ठीक है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ रहा हूं, तो ये जो डिस्टेंस मैंने आपको कहा ये किसके बराबर है, ये इस वेक्टर के, ये B1, इसको हम अगर 2 से डिवाइड कर दें तो ये हमें क्या देगा, इसको मैंने B2 कंसीडर कर लिया, सॉरी B2 को हम 2 से डिवाइड कर दे तो क्या देगा, B1 देगा, ठीक है, यानी इस वाले का डिस्टेंस और B1 इस वाले डिस्टेंस के बराबर है, ठीक है। तो ये 1/2 आएगा, अच्छा, और A वेक्टर मैं आगे बढ़ा ही नहीं, ठीक है, तो T विल बी इक्वल टू 0 A1 प्लस व्हाट, अभी मैं बता रहा हूं कि मैं किस पॉइंट पे जा रहा हूं, जो मेरा पॉइंट है टारगेट पॉइंट है, मैं आपको बताता हूं किस पॉइंट पे मैं आ रहा हूं, ठीक है। T1 अभी आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन एक मिनट ये देख ले फिर आसान लगेगा, ठीक है। A1 इज इक्वल 0 A1 आ जाएगा, ठीक है, और आगे 1/2 to 1/2 to B2, ये ट्रांसलेशनरी वेक्टर आ गया इसके लिए, ये ट्रांसलेशनरी वेक्टर आ गया इसके लिए। अब आपने पढ़ा होगा एक नॉन परमिटिव है वो, और एक परमिटिव है, ठीक है, परमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर और नॉन परमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर। तो वो ट्रांसलेशनल वेक्टर जिसकी कोएफिशिएंट, द वेक्टर हैविंग द कोएफिशिएंट ऑफ क्रिस्टल एक्सिस, वो ट्रांसलेशनल वेक्टर जिसकी क्रिस्टल एक्सिस की जो कोएफिशिएंट होते हैं, यानी इसका कोएफिशिएंट आप देख ले, ये B1 का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक है, इसका क्या है, 0 है, ठीक है, वो वेक्टर 0 को तो हम कंसीडर नहीं करते। और यहां पर मैंने 2 डायमेंशन की बात की, 3 डायमेंशन जो है वो बोर्ड पर ड्रा करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। अब यहां पर ये देख ले B1 1 आया है, ठीक है, तो इसमें जो इसको 0 को भी मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहां पर इसकी कोएफिशिएंट की वैल्यू देखें तो क्या है, 1 है, विच इज कॉल्ड इंटीजर्स। अब वो ट्रांसलेशनरी वेक्टर जिसकी कोएफिशिएंट की वैल्यू इंटीजर हो, द ट्रांसलेशन वेक्टर हैविंग द कोएफिशिएंट वैल्यू इज इंटीजर एज known as what, as known as what, as known as permittive translation vector, वो ट्रांसलेशनल वेक्टर जिसके जो कोएफिशिएंट की वैल्यू हो वो इंटीजर्स हो, 1 -1 1 -2 1 -3। हम आगे जाएंगे तो उसमें क्रिस्टलोग्राफी है, वहां पर हम ट्रांसलेशन वेक्टर को स्टडी करेंगे, तो फिर आपको वहां पर मैं बताऊंगा कि माइनस कैसे आएगा, जहां पर हम पढ़ते हैं ये देखिए 1
माइनस वन जीरो, आपने ये पढ़ा होगा। इन ब्रैकेट्स का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इनका क्या, ब्रेसेस का क्या मतलब है, ब्रैकेट्स का, पेरेंथेसिस का क्या मतलब है, ये वो सब आप पढ़ेंगे। वहां पर हम माइनस वन को भी ड्रा करेंगे, माइनस वन कैसे ड्रा होगा, जीरो कैसे ड्रा होगा, टू कैसे ड्रा होगा, थ्री कैसे ड्रा होगा, ये सब हम उसमें पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही आप समझ लीजिए, ठीक है। किसको नॉन परमिटिव सेल, नॉन परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर किसको कहते हैं, जिसमें जो कोएफिशिएंट वैल्यू होती है वेक्टर ट्रांसलेशन वेक्टर की, वो क्या होगी, इंटीजर होगी। और अगर वो इंटीजर ना हुई तो उसको फिर हम क्या कहेंगे, अगर ना हुई इसको हम नॉन इंटीजर परमिटिव सेट कहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, ये था क्रिस्टल के बारे में, सॉरी लेटेस्ट के बारे में, बेसिस के बारे में। इसके अलावा हमने पढ़ा क्रिस्टल के बारे में, इसके बाद ट्रांसलेशनल वेक्टर्स के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में हम फिर यूनिट सेल और जो भी अगला टॉपिक होगा वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि कमेंट से मुझे मोटिवेशनल मिलती है, मोटिवेट होता हूं मैं उससे, ठीक है, अगली वीडियो बनाने के लिए, ताकि मैं मोर से मोर लेक्चर आपके लिए बनाऊं। थैंक यू सो मच, वेलकम।